हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एला ऑर्नर। सो फ्रेंड्स, आज सेसन में आम डिस्कसन करने जाऊँ आमर बीएड रही है जो 2018 ठीक अच्छे 9 अगस्ट जो आम आ 2018 9 अगस्ट बैच वन क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो तार मैथमेटिक्स क्वेश्चन को आज आम डिस्कसन कर मैथमेटिक्स। तो ऑलरेडी आम जो पेडागोजी होगा, रिजनिंग होगा, ता सहित इंग्लीश, ओडिया, देन आम बायोलॉजी रो एमसीक्यू ऑलरेडी आम डिस्कसन करुचु लास्ट के 9 इयर्स 2014 रु नहीं कि 2022 जाए। तो सब को आम गोटे पर गोटे डिस्कसन करुचु। तेणु आपन जदि बीएड एग्जाम देवाई जाऊँच कि सीटी एग्जाम देवाई जाऊँ 2023 तेज सेसनटा आप इम्पोर्टेंट रही ठीक अच्छे। तेणु निश्चित भाव में जदि आप गोटे सीट पक्का करने चाहूँच आउ रही आम के 20 डेज टाइम रही है आम पाखे आपने जानते हैं। तो जब 20 डेज रे आप प्रिपेयर करके गोटे सीटे पाइबापी चाहूँ तेज निश्चित भाव में मुझे आज ही आपण गोटे 20 डेज रो प्लानिंग भिडटे करदे ठीक अच्छे। जे लास्ट 20 डेज रे आपण को भाया भाव में प्रिपेयर कले आप गोटे सीट आपर ठीक अच्छे। से रिगार्डिंग ऑलरेडी मुझे गोटे भिडियो करदे कौ सब मेन पॉइंट्स को आपड़ फोकस करेंगे ओके जहाँफल कि आप गोटे गवर्नमेंट सीट पाइपर तेज निश्चित भाव से भिडटा को आप निश्चित भाव में देखु मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तार लिंक देदेवि ओके आपठू देखिपारे ओके। तो चलतु आज सेसन को स्टार्ट करवा ऑलरेडी या पर आम पुणी गोटे पर गोटे आर्ट्स को आम जो रही इंग्लीश होगा किगला बाकी सब पार्ट जो रही कवर करुच तेज निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करके रखु आपको आपंकर अपकमिंग एग्जाम से निश्चित भाव चैनल हेल्प कर ओके। आ वीडियो भल लगे गोटे लाइक आ सांग सहित सेयार कर तेज देखो ये रही है 9 अगस्ट 2018 बैच वन क्वेश्चन कौन रही फास्ट क्वेश्चनटा 71 जी सर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज दुटा पॉइंट अच्छी देखो दुटा पॉइंट भितर सर्टेस्ट डिस्टेंस माने छोट दूरता। तो देखो दुटा पॉइंट को आपन केमती जाई परबे एमती भी जाई परबे जने कहबो एमती जिवे जने कहबो एमती एमती बुली 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 के एठी पहुचिवो। तो सब सब उपाय रे जाई होबो ए पॉइंट टाकू आउ गोटे देखो किंतु सीए कौन कहे सर्टेस्ट डिस्टेंस सबुठ कम दूरता कौटी हे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंसटा सबुठ छोट दूरता हम आपने जानते हैं ओके। नहीं जदि आम परपेंडिकुलर डिस्टेंसटा सबुबेले सबुठ कम दूरता होता है तो सेटा कौन हम जदि गोटे दुटा लाइन भेजे परपेंडिकुलर डिस्टेंसटा आम टाणी से कौन गोटे से कौन लाइन सेगमेंट बा स्ट्रेट लाइन हम तेनालीपर जो यहाँ गोटे ए लाइन सेगमेंट ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे। यहाँ गोटे आमर लाइन सेगमेंट तो नेक्स्ट जी देखो 72 कह 5 इयर्स एगो अमृत हेज व्वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बरखा एंड 10 इयर्स लेटर अमृत विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बरखा ह्वाट इज द प्रेजेंट एज अफ अमृत मैंने कही 5 वर्ष पूर्वे 5 इयर्स एगो अमृत केते वर्ष रहा ना थ्राइस एज ओल्ड एज बरखा बरखार तीन गुणा था किए ना अमृत केवे ना 5 वर्ष पूर्व ताल प्रेजेंट एज आम धरीद देखो प्रेजेंट एज धर जाऊ प्रेजेंट एज आ गए रहा बिफोर 5 वर्ष पूर्व बिफोर 5 इयर्स बिफोर है आउ गोटे आम मानने फ्यूचर में धरवा जोटा कि कहुच्छे 10 वर्ष पर ओके। तो प्रेजेंट एज धर जाऊ आम के ना अमृत रहा कते ना सॉरी आम ये बरखार धरिया जे बरखार धरा जाऊ एक्स ताल कौन ना एक्स हेले गोटे मिनिट सो यहाँ देखते कही 5 वर्ष पूर्वे अमृत बयस केते अमृत व्वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बारखा मैंने बारखार तीन गुणा था अमृत 5 वर्ष पूर्वे धरा जाऊ आम 5 वर्ष पूर्वे अमृत बयस के बरखार बयस के बरखार बयस एक्स था 5 वर्ष पूर्वटा आम धरचु प्रेजेन्टा धरूनु मन रखुद 5 वर्ष पूर्वे बरखार एक्स था तेल यार के 3x कहीं कहुई 5 वर्ष पूर्वे अमृत बयस के बरखार तीन गुणा तेणु यहाँ बरखा एक्स है अमृत 3x तो 5 वर्ष पर मानने वर्तमान प्रेजेंट एज तर के ना 5 वर्ष पूर्वर बयस तो वर्तमान बयस के 5 वर्ष पर यहाँ निश्चित भाव में ये प्रेजेंट एजटा बर्तमान तेणु 3x+5 हम यार के ना x+5 बुझिपारे आम पूर्व वर्ष मानने 5 वर्ष पूर्वटा को एक्स धरीचु सेटा माइंड में रखुद प्रेजेंट को धरनु 5 वर्ष पूर्वर आम एक्स धरलु आउे अमृतर के 3x कहीं तीन गुणा तेल बर्तमान तर बयस के अमृतर हम 3x+5 बरखार 1x+5 एवं कही 10 इयर्स लेटर तापर कौन कही 10 इयर्स लेटर अमृत विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बरखा 10 वर्ष 10 वर्ष पर कहार के 10 वर्ष पूर्वे अमृतर के पुणी थे +10 हम मानने 3x+15 आ पुणी बी रो केते हो बा बरखार केते हो ना 1x+15 बुझीगला आहरी 10 वर्ष पर मैंने 5 तो ऑलरेडी अच्छी पुणी एथे 10 वर्ष मिसिबो कहि जे 10 वर्ष पर मैंने 10 तो समस्त बढ़ी ना अमृतर भी 10 वर्ष
आ बरखार भी 10 वर्ष तेणु एक्स थ्री एक्स प्लस 15 या हम एक्स प्लस 15 एवं कहुई जे 10 इयर्स लेटर अमृत विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बरखा माने अमृत केते हबो ना बरखार दुई गुण हबो तार अर्थ आम एटू इक्वेशन पाई अमृत बयस इक्वाल टू दुई गुणा अफ बरखा हो कि ना बरखार दुई गुणा सहित अमृत बयस सामान हो तो अमृत बयस के थ्री एक्स प्लस 15 इक्वाल टू 2 इंटु एक्स प्लस 15 यहीटा को आपको सल्यूशन सल्व करार अच्छे आप थ्री एक्स प्लस 15 इक्वाल टू 2x प्लस 30 एक्स आपट की 2x आसे एक्स आस 15टा आर सैड को गले माइनास 15 तेज़े एक्स बढ़ीगला आमर 15 बुझिपारे ताले आमको कौन पचार प्रेजेन्ट एज अफ अमृत अमृत बर्तमान बयस के बर्तमान बयस कौटा ना यहीटा तो अमृत बयस के थ्री एक्स प्लस 5 तेल एक्स तो आम 15 बाहरी तेल 3x प्लस 15 के 3x प्लस 5 सरी 3x प्लस 5 15 3 45 प्लस 5 समान 50 बुझीगला तेल अमृत बयस बर्तमान बयस हम 50 वर्ष ऑप्शन नंबर ए बुझीगला कौ भाला ठीक अच्छे तो से भाई भाव में आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को बुझापी ट्राए करेंगे सेमती किसी ना जो आपारे इजी क्वेश्चन ही थाए जेनराली आम क्वेश्चन पढ़वे टी आम बुझ न पारे से आम कर ठीक अच्छे बुझिपारे मुझ प्रेजेन्ट एजटा को एक्स धरी नी मैंने पूर्व बयस एजटा को मुझे धरती के एक्स ठीक अच्छे तेरे 73 कौन अच्छे देखो जे कस कस स्क्वायर ए प्लस कस टू दि पावर 4 ए इक्वाल टू 1 हेले आपन को यार भैल्यू मांगी तो देखते ये दरकार हम नहीं आपदारे केमती ना 10 स्क्वायर आम दी जाए 10 स्क्वायर ए प्लस 10 टू दि पावर 4 ए डिवाइडेड बाय सेक्स स्क्वायर ए इंटु 10 स्क्वायर ए तो देखो आम जब यही उपरटू 10 स्क्वायर ए कमन ना आम कौन हम ना 10 स्क्वायर ए जब आम कमन ना ये रोज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 4 थी तेणु दुई चली गला तेणु 10 स्क्वायर ए रोज डिवाइडेड बाय सेक्स स्क्वायर ए इंटु 10 स्क्वायर ए तापर एठी हमर 10 स्क्वायर कटिगला ताले 1 प्लस 10 स्क्वायर कौन ना सेक्स स्क्वायर एटा आपण जानिथिबे सेक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय तळे अछि सेक्स स्क्वायर दुटा जाको कटला हेगला आंसर 1 ठीक अछि बुझियला ताले ऑप्शन नंबर बी हे जीव हमर राइट आंसर ठीक अछि ते नेक्स्ट जीवा देखंतु नेक्स्ट जीवा देखंतु 74 कौन अछि तो एटा सब इजी क्वेश्चन देखंतु सब कहवाक गले जेठी दिया है आपको एक्स अनुपात वाई दिया है 1:3 ताले यार भैल्यू मागे तो किसी ना डायरेक्ट आपको एक्स जगह 1 पकेबे वाई जगह 3 पकेबे ठीक अच्छे कौन एक्स जगह 1 वाई जगह 3 ताले पकांदु 7x² माने 7 गुणन 1 रो स्क्वायर प्लस 3 इंटु 1 इंटु 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटु एक्स है 1 वाई है 3 प्लस वाई स्क्वायर माने 3 रो स्क्वायर के ना 7 के 7 प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 3 6 युक्त 9 माने 16 विभक्त 15 ठीक है बुझीगला केवल आपको पुट करार अच्छे एक्स जगह 1 वाई जगह 3 तेल 16:15 जोटा ऑप्शन नंबर बी ओके देन 75 देखु दि नंबर सिस्टम व्हिच कंटेन्स 8 ओनली 8 डिफाइंड डिजिट मानने 0 रु 7 जाए जो आम 8टा डिजिट को लेकिन जो नंबर सिस्टमटा होता है आम कौन कहूँ ना अक्टाल ये तो आपने जानते यहाँ अक्टाल 8टा थी अक्टाल आउ 16टा थी आम हेक्साडेसिमल आउ बाइनरी कौन ना जे जोटे शून आउ एक थी मानने दुईटा संख्या थी बाइनरी ओके द नेक्स्ट जी देखो 76 लगारिदिम अफ 7 टू दि बेस 2 मानने लगारिदिम अफ 7 बेस 2 यहाँ कौ प्रकार संख्या बोली पचार तो यहाँ गोटे कौन लग बाला संख्या आम जेनराली इरेसनाल नंबर होता है सो इट इज एन इरेसनाल नंबर ओके ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर लग 7 बेस 2 नेक्स्ट जी देखो 77 कौन अच्छी ना आपंकर गोटे मिनिट मुझे इरेज कर दिए ठीक अच्छे तो आमर कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 77 रे कौन अच्छी देखो जे इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट कैन प्ले क्रिकेट माने 25 जन कौन करें ना क्रिकेट खेली पारे 35 ना हॉकी खेली पारे सॉरी 25 जन हॉकी खेली पारंती आउ 35 जन क्रिकेट खेली पारंती किंतु टोटल पिला संख्या केते ना 50 किंतु जदि आम हॉकी आउ क्रिकेट खेली पारथवा पिला संख्या आम मिसेबा केते हो 60 किंतु आम टोटल पिला संख्या केते 50 ताले 60 केमती हो 60 तो हो पारे माने एमती भी किसी पिला थे जो मैंने उभय हॉकी प्लस क्रिकेट खेलुए हाँ कि नहीं दुटा जाक खेलु पिला भी थे ये ना समुदाय पिला 50 किंतु एटी हॉकी आउ क्रिकेट मिसेले 60 हो जाए तो ऑब्वियसली मैंने दुटा जाक खेलु पिला संख्या किसी थे तो कैसे ना 60 50 वियोग करूँ 60 माइनस 50 समान के 10 ताले 10 जन पिला एमती अच्छा जोटा कि जो पिला मैंने कि बहुत हॉकी आउ क्रिकेट खेलती
ओके तो सेटा ही पचार हाउ मेनी कैन प्ले हॉकी एंड क्रिकेट बोथ तो ऑप्शन नंबर डी 10 जन तो नेक्स्ट जी देखु 78 देखु 78 कौन अच्छी आपको दिखाई कॉस थीटा है 1/2 तेल कॉस थीटा जब 1/2 है आपको मागेज कौन 1/√2 सॉरी 1/√2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ तो आपने माने कर दे पारे इजिली तो कॉस थीटा रो वैल्यू आपको जना थी जो आम 30, 60 जीरो डिग्री थाए तो कॉस कहार मानने वैल्यूटा हूँ 1/√2 आपने जो जानी थे जे आम ये कहार वैल्यू सो आपने जानी थे कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 तो कॉस रो कहार वैल्यू 1/√2 जदि आप मन थी निश्चित भाव में कॉस रो 45 डिग्री वैल्यू है 1/√2 45 तो मान तार अर्थ कौन थीटार वैल्यू दिया हमको 45 ठीक अच्छे तो ये पकई दिखुद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा जगह कॉस स्क्वायर मान 30 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री ठीक अच्छे तो कॉस स्क्वायर 45 मान क्या कॉस स्क्वायर कॉस रो 45 1/√2 रो होल स्क्वायर माइनस साइन 45 रो वैल्यू भी से 1/√2 तो 1/√2 रो स्क्वायर इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 जोटा कि कटिगले सॉरी 1/2 हम जोटा कि कटिज आंसर हो 0 ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी हो गला आपनकर राइट आंसर ठीक अच्छे 0 तो नेक्स्ट जीवा 79 इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3 कल 0 देन द इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा प्लस 2 आउ बीटा प्लस 2 रो इक्वेशन कौन हम बोले आपको पचार ओके सो देखो क्वेश्चन टाइम इजीटा जदि आप बुझीजी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आम रही तार फॉर्मेटटा जानी फॉर्मेट केमती लिखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो फॉर्मूला ओके नहीं आउ गोटे भी तार फॉर्म अच्छे तार रूट्स को नहीं कि अल्फा बीटा को नहीं कि आउ गोटे तार फॉर्मेट अच्छे जोटा कौन ना जोटा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ आउ गोटे फॉर्म था फॉर्मेट था ठीक अच्छे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ गोटे तो आउ गोटे फॉर्मेट तार यहाँ यहाँ आपने लिखिक रखु दरकार हम सब ठीक अच्छे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपोर्टेंट तो दुटा फॉर्म था माने आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यही लिखिपर कि लिखिपर तो ये जो आम क्वेश्चन टा देखिए देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3 कल 0 तो यहाँ गोटे इक्वेशन दिखाई तो आमको कहुची जे यही आम अल्फाबीटा काढ़ा जहाँ भी हम ठीक अच्छे अल्फाबीटा को काढ़ी से दुई लेखा मिसेवा अल्फारे दुई मिसेवा बीटारे दुई मिसेवा तापर आउ गोटे नुआ इक्वेशन काढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जार फॉर्मेट यही किंबा रोक हाँ कि नहीं तेज एवं आम जी देखो तो यही इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3 ए के कहले ना 1 हम बी के ना माइनस 2 सी के ना 3 तेल ये संख्या मानने कौन अल्फा बीटा जदि दुटा रूट है तेल रूट रूट्र जोगफल के माइनस बी बै ए तार अर्थ के माइनस बी मान माइनस अफ माइनस 2 बै एक मान 2 तार अर्थ कौन ना अल्फा प्लस बीटा आम पाइले के 2 तो ठीक से भाई यही इक्वेशन ये इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा के ना मूल द्वयर गुणफल हुए सी बै ए तेल सी के 3 डिवाइडेड बै 1 समान 3 तेल अल्फा इंटू बीटा आम पाइले के 1 आम ये दुटा पाइले एवं देखूँ ओके एवं आमको कौन काढ़ गोटे इक्वेशन फॉर्मेट केमती हुए ना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मुझको कहली यही इक्वेशन फॉर्मेटा थाए हाँ कि नहीं दुटा फॉर्मेट एटा भी हो पार आटा भी हो पार तो अल्फा प्लस बीटा आमको काढ़ अल्फा प्लस बीटा के देखो आम जो नुआ इक्वेशन गोटे काढ़ा ठीक अच्छे नुआ जो काढ़ा आम गोटे नुआ इक्वेशन काढ़ा रूट्स कौन है ना अल्फा प्लस बीटा ना अल्फा प्लस 2 आउ बीटा प्लस 2 नुआ इक्वेशन टा जो काढ़ा तार रूट्स कौन कौन है ना अल्फा प्लस 2 आउ बीटा प्लस 2 ताहले एथिरे कौन ना रूट द्वयर गुणफल ना जोगफल ये रोक हाँ कि नहीं एक्स पूर्व ये जो एक्स रे सहग किए रहा बीज द्वयर जोगफल तार अर्थात आम कौन काढ़ा ना अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 हाँ कि नहीं आम जो इक्वेशन टा धर जाऊ आम काढ़ा कौन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यही आम काढ़ा हाँ कि नहीं यहाँ आम काढ़ा तो ये कौन ना मूल द्वयर जोगफलटा रोचे तेणु आम जदि दुटा मूल हूँ अल्फा प्लस 2 गोटे आ गोटे बीटा प्लस 2 दुटा मूल हुए तो जोगफलटा ये रेणुता जोगफल के आम काढ़ीदे हाँ कि नहीं तो मूल दुटा है अल्फा प्लस 2 आ गोटे है बीटा प्लस 2 ठीक अच्छे तेल कौन हम देखो ना आम अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 तार अर्थ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 तो अल्फा प्लस बीटार वैल्यू आम अलरेडी पाइजु के 2 तेल 2 पकाऊ 2 + 4 समान 6 तेल ये आम के रोक ना ये रोक आम 6 ठीक से भाई यही ये के अल्फा इंटू बीटा
तो आल्फा प्लस आल्फा इंटु बीटा, आल्फा इंटु बीटा मैंने कौन एटी आल्फार वैल्यू है आल्फा प्लस टू, बीटार वैल्यू है बीटा प्लस टू, तेना आल्फा प्लस टू हल इंटु बीटा प्लस टू काटिले कौन हम ना आल्फा बीटा प्लस टू आल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू। ठीक अच्छे ये आपको मल्टीप्लाई करदे देन आल्फा बीटार वैल्यू के सरी आल्फा बीटार वैल्यू ये तीन अच्छे देखो मुझे लिखी देखिए तो यहाँ तीन आल्फा इंटु बीटार वैल्यू तीन प्लस टू जदि कमन नवा आल्फा प्लस बीटा प्लस टू हाँ कि नहीं तापरे तीन प्लस टू इंटु आल्फा प्लस बीटार वैल्यू के दुई पुणी गुणन दुई पशेले आल्फा प्लस बीटा जगह तार वैल्यू पकेले प्लस टू इकाल थ्री प्लस दुई दुणे चार युक्त दुई तेब कौन है चार थ्री तीन सात आठ नौ गोटे मिनिट। सो ये देखो ये दुई नुह चार हो कहीं देखो ये दुई सहित दुई जो मल्टीपल होती है चार हे ये मुझे दुई करदे ये चार हे। ठीक अच्छे ये चार तेल कौन है ना तीन एटी है तीन प्लस दुईटा दुई गुणन कले दुई ना चार प्लस चार 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 आठ तीन एगार तेल ये आम के बस ना एगार बस फाइनाली आम इक्वेशन कौन है ना ये तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहा माइनस आल्फा प्लस बीटा जगह सिक्स रहा एक्स प्लस आल्फा इंटु बीटा जगह एगार इक्वाल टू जीरो तो यहाँ है आपंकर फाइनाल इक्वेशन जोटा कि अच्छे ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस इलेवेन। ओके बुझेगा तेणु आप मेन है ये फर्माटा ये फर्माटा जब आपको जाना नहीं आप क्वेश्चन करें ना। ठीक अच्छे तेनालीटा टी आप लिखि रखिए चाहिए चाहिए जदि ओके तेज चलते एवं नेक्स्ट जी कौन अच्छी एट्टी क्वेश्चन नंबर एट्टी कौन अच्छी सो क्वेश्चन नंबर एट्टी कौन अच्छी दि नंबर अफ प्रपर सबसेट्स अफ ए सेट गोटे अर्डर थ्री गोटे सेट दिखाई जार अर्डर के अर्डर दिखाई थ्री अर्डर थ्री मान कौन ना तर कार्डिनालिटी बा सेट्र कार्डिनालिटी हूँ आपंकर गोटे सेट्र कार्डिनालिटी हूँ थ्री कार्डिनालिटी मान नंबर अफ एलिमेंट्स जितेटा नंबर अच्छा तार तीन टा एलिमेंट्स अच्छा। ठीक अच्छे तो गोटे सेट्र कौन ना एलिमेंट नंबर थ्री बा कार्डिनालिटी थ्री दिखाई तेल कहुच तार सबसेट सबसेट फर्मूला केमी काटा जाए ना टू टू दि पावर एन आप जानते हैं एन कौन नंबर अफ एलिमेंट्स और नंबर अफ एलिमेंट्स के तीन दिखाई तेना टू टू दि पावर थ्री इक्वल टू एट एटा हो नंबर अफ सबसेट बट गोटे मिनिट आठ एनसर हम नहीं आप कहे कहीं सबसेट्र तो फर्मूला या तो सबसेट्र फर्मूला या कितु प्रपर सबसेट बेले आम फर्मूला कौन ना टू टू दि पावर एन माइनस वन कहीं हुए ना आपंकर जो जहाँ जो एक दुई नहीं कि आप सबसेट काढ़ुंटे जिते बड़े भी आपंकर वन बाय टू या भी गोटे यार सबसेट हो पार ना सबसेट कि इक्वाल सेट तेणु वन बाय टूटा भी वन बाय टूर गोटे सबसेट हो पार कि प्रपर सबसेट्रे या काउंट करा जाए ना। ठीक अच्छे तेणु आम गोटे सब बेले माइनस करते सेमती एक दुई तीन जदि अच्छे एक गोटे सबसेट हो पार दुई गोटे सबसेट हो पार तीन गोटे हो पार ये आम ना कि आउ गोटे हम वन टू थ्री भी गोटे सबसेट हो पार तो ये सबसेट हो पार कि प्रपर सबसेट बेले या काउंट करा जाए ना। ठीक अच्छे तेणु गोटे माइनस वन हुए तेणु राइट आंसर हम आपन नंबर सी सात। ठीक अच्छे आपड़ जब मानते कौन क्वेश्चन टाक ठीक से पढ़ी न थे आपड़ ये भूल करदे कहीं सी आमको मागिजी प्रपर सबसेट कि सबसेट देखिकी आठ मारिक पलि आसवे बुझिपार्थ तेणु सब जिते बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भल से टे पढ़े क्वेश्चन टाक कौन कही। ओके नेक्स्ट जी देखो एट्टी वन इफ साइमल्टेनियस इक्वेशन एतिक 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 देन दि वैल्यू माने ये आपको केवल इक्वेशन सॉल्व करार अच्छे किसी नहीं सब इजी क्वेश्चन गोटे वन अफ दि आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करार अच्छे थर्टीन एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू कोड़े आउ गोटे दिखाई सेवेन एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू एट्टी किसी नहीं आपको जब सॉल्व करने लेट हो पारे आप डायरेक्ट यू वैल्यू पकेबे यू वैल्यू पकेबे गोटे गोटे नहीं तो आप देखिए मानते इक्वाल टू कोड़े अच्छे मैंने लेफ्ट पटे कोड़े हे इक्वाल टू अठर अच्छे मैंने बाँ पटे अठर हे तेल गोटे गोटे पका दुई जदि पकेबा तेरह दुणी छबिश माइनस छः चौ के चबीस तेल के छबिश चबीस गले दुई एटा हो तो ये जब आप पुट करके देखिए देखिए डीटा ये सैटिस्फाई कर केमती देखूँ तेरह गुण दुई के छबिस माइनस एक अच्छी तो वाई जगह एक पकेबा छः गुण एक छः इक्वाल टू के छबिश रु छः गले कोड़े जोटा कि आपर रईट सैड अच्छे एटा हो गला ठीक से भाई इक्वेसन में पका मैंने एक्स रैल्यू टू पकेबे सात गुण दुई सामान चौदह युक्त चार गुणन एक्स एक सामान सात गुण चौदह चार एक चार सामान अठर जोटा कि आमर दिखाई मैंने यहाँ सैटिस्फाई करुच्छे तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर किंबा आपड़ जमी इक्वेशन सॉल्व करती सेमती भी करेंगे इक्वेशन आई रे किसी गोटे गणवे इक्वेशन टू आई रे किसी गोटे गणवे सेमती करके सॉल्व कले यहाँ हो पार कि बेस्ट कौटे जानते जोटा आप डायरेक्ट ऑप्शन रू ये पुट करदे आपंपाई टाइम बंची जी। ठीक अच्छे टाइम बंचे आप गोटे गोटे सब तो ट्राए करें ना आप तेणु बेटर हम आप मैंने जब सॉल्व टू आपन पुट करूँ सही आप बेटर
तो नेक्स्ट जी देखो बयासी अच्छे इफ ए टू दि पार एक्स इक्वल टू बी बी टू दि पार वाई इक्वल टू सी सी टू दि पार जेड इक्वल टू ए देन आपंकर अच्छी एक्स वाई जेड रैल्यू के अच्छा तो ये आमको कौन दिखाई देखो फास्ट आम यू सल्व करा देखो कौ भाया भाव में करा ए टू दि पार एक्स के दिखाई ना बी तो ए रैल्यू कौन ना ए बदले आम सी टू पार जेड पकई पार कि ना आपको कहतु आमको अलरेडी दिखाई ए जगह आम कौन पकेबा ना सी टू पार जेड तार अर्थ ए जगह पका सी टू दि पार जेड रो पावर के एक्स थिला ऑलरेडी तेणु एक्स रहा इक्वल टू बी एबे देखते सी जगह कौन पकई पार आम सी जगह बी टू दि पार वाई पकई पार कि ना हाँ पकई पार पका सी जगह बी टू दि पार वाई टू दि पावर एक दुटा पावर अच्छे गुण नहीं तो एक्स जेड इक्वल टू बी एबे देखु एबे पुणी एटा गोटे घात हो गला तो या संगे ये जोड माने कौन मल्टीप्लाई होता बी टू दि पार कौन एटा वाई अच्छी ये एक्स जेड अच्छी इक्वल टू बी तार अर्थ कौन ये जो सजे देवा बी टू दि पार एक्स वाई जेड इक्वल टू बी बी रे कि ना मानते कौन एक अच्छी तेल तल बेस जदि सामान है घात भी निश्चित भाव सामान हो तेणु एक्स वाई जेड आईटा जाक सामान अच्छे से दुटा जाकर बेस सामान अच्छी आईटा जाक सामान तार अर्थ घात भी सामान हो ना तेणु एक्स वाई जेड रैल्यू केगला ना वन ताल ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो गला आपनकर राइट आंसर बुझीगला तो नेक्स्ट जी देखूँ आम ये थ्री कौन कौन अच्छी ना ये थ्री नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन अच्छी ना मोर जे कनसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल गोटे राइट एंगल ट्राइंगल कनसीडर करने कौन अच्छा धरा जाऊ ये गोटे राइट एंगल ट्राइंगल धर ये कोणटा 90 डिग्री राइट एंगल कौटी ना क्यू रे राइट एंगल कह पी क्यू दिखाई आपणकर धरा जाऊ आम यहीटा धरीदे पी एटा क्यू एटा आर आम यहाँ धरीदे ये भाव में धरिया पी क्यू आर जार ये कोणटा 90 डिग्री तापर दिखाई पी क्यू 27 पी क्यू दिखाई 27 तापर क्यू आर दिखाई के 27 रूट 3 ताले हमको कहे पी ए एंगेलटा केंगेलटा के पचार ओके तो ये के जानते डायरेक्ट पुट करूँ आपंकर तो ये के आपंकर टेन थीटा पका टेन थीटा कल कौन पी बाय बी बा परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा माने टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी माने के 27 रूट 3 बाय 27 27 27 कटला माने रूट 3 माने टेन थीटार भैल्यू के ना रूट 3 आउ टेन थीटा माने कहार कौ एंगेलटार भैल्यू रूट 3 ना टेन 60 डिग्री आपन को जदि मन थी तो टेन 60 भैल्यू हूँ रूट 3 ओके तेणु ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री ओके द नेक्स्ट जी देखु तो इफ लॉग टू इक्वल टू 0.30103 देन दि केतेटा डिजिट आसीबो आमर 2^64 किछि नै एटा 2^64 अछि तो लॉग नै जानतु लॉग 2^64 इक्वल टू 64 लॉग 2 तो लॉग 2 रो वैल्यू पकांतु एटी 64 इनटू लॉग 2 दिया छि 0.3010 तो एटा जते बेले आपण गुणन करिये देखबे आपणकर केते आसीबो ना आपणकर आसीबो केते आसीबो ना आपणकर आसीबो 19.02 एई भलिया भाबरे आसीबो माने 19 आसीबो तापरे किछि आसीबो तो एई जों ताले एठी केतेटा नंबर डिजिट आसीबो बोली पचार छी तो जेहेतु 19 आसुची त 19 परवर्ती संख्याटा सब बेले निया जाय जे 19 जदि आसुची ताले हमर केतेटा डिजिट आसीबो ना 20टा डिजिट आसीबो ताले 84 रही गला डी आंसर हे जदि हमर एठी आस्तां त 18 जदि आस्तां त आमे नै थांतु केते ना 19 नै थांतु सबुबले प्लस वन करके निया जाए कहीं गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स्ट्रा टर्म एक्स्ट्रा गोटे डिजिट आसी थाए कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा को आम कह जाए ओके तेणु सब प्लस वन करेंगे डिजिट्स कथा पचारे आप बाहर करके प्लस वन करदे देन कह इन ट्राइंगल एबीसी टू पॉइंट्स डी एंड ई आर टेकन ऑन द लाइन ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली इन सच ए वे दैट ए सी इज पैरेलल टू डी इफ बी सी 9 सेंटीमीटर डी 4 सेंटीमीटर ए सी 12 देन ई सी रैल्यू तो गोटे ट्राइंगल आमको दिखाई कहुई जे ए बी सी दिखाई देन कहुई जे डी आउ कहार ना ए बी रोटे पॉइंट अच्छी डी आ गए बी सी मझे गोटे पॉइंट अच्छी आमर कौन ना ई ओके डी आई कौन ना रेस्पेक्टिवली इन साच दैट एसी ए एसी सहित डी पारे ठीक अच्छे तो आम यू आम प्रूफ कर जापर आप जापे ये दुटा को आम जो ट्राइंगल बी डी पारालेल माने सर्वसम करें ट्राइंगल कौन ना एटा से हिसाब से करें गोटे पकई पार देखते ये जो दुटा लाइन को जो परस्पर छेद यहाँ देखो एगा जो दुटा पारालेल लाइन दुटा पारालेल लाइन को जदि दुटा छेदक छेद करके ये दुटा छेदक जदि नहीं जावा निश्चित भाव में
ओके सेटा भी नहीं कि आम कर प्रूफ कर पारा कि जो दीटा आंगेल ट्राइंगल बी डी सर्वसम ट्राइंगल ए बी एस सी भी आम कर ओके तो यहाँ आपने जापारती तो दीटा त्रिभुज जदि सर्वसम हो जाए ट्राइंगल बी डी आउ ट्राइंगल बी एस सी तेल आम लिखिपर कि नहीं जे या सहित यार करेस्पंडिंग बाहू आउ या सहित यार करेस्पंडिंग बाहू सामान हो तेल बी डी धरा जो आम डी ना डी बै यार करेस्पंडिंग बाहू सहित यार करेस्पंडिंग बाहू कौटा ना एस सी तेज़े डी बै एस सी इक्वल टू कौन दिखाई ना आम ये यार करेस्पंडिंग कौन बी जदि नवा तो बी डिवाइडेड बै कौन ना यार बड़टार ना तौटा को तेल बी सी बी बै बी सी तेल के आमर ना डी आम कौन है ना डी बै एस सी इक्वाल टू बी बै बी सी बुझीला कि नहीं ओके तो ये आमर इक्वेशन तेल डी आमको दिखाई देखते ये अलरेडी आमको डी दिखाई के चार सेंटीमीटर चार पकड़े एस सी के दिखाई ना एस सी दिखाई बार तापर आमर बी के ना बी दिखाई जोटा कि आमको बाहर करार अच्छे एक्स धरा जाऊा बीटा को आम एक्स धरले मैंने यू एक्स धरले तेल बी सी के दिखाई बी सी के दिखाई नौ सेंटीमीटर दिखाई नौ तेल एक्स के ना चार गुण नौ बै बार ओके बारे चारे काटले चार बार तीन काटले तीन तेल एक्स बाहरी गला आम तीन तार अर्थात के बी रैल्यू है तीन सेंटीमीटर तो आमको कही कौन ना इ सी बाहर करवाई कह लेंथटा के कहते आमको कौन दिखाई ना टोटाल बी सीटार भैल्यू दिखाई बी सी रैल्यू दिखाई नौ आउ बी आमर बाहर केन तेल आमर इ सी रैल्यू के ना सिक्स सिक्स सेंटीमीटर सो ऑप्शन नंबर बी हो गला राइट आंसर ठीक अच्छे आपड़ यहाँ दुटा पैरेलल लाइन ये छेदक नहीं कि आम प्रूफ कर पारा कि आमर ट्राइंगल बी डी ओके ट्राइंगल बी डी सर्वसम ट्राइंगल बी एस सी तापर ये आम प्रूफ करा तो ये सब मुझे करूँ ये प्रूफ करा किसी दरकार नहीं आपको खाली कनसेप्ट जानवा दरकार जो आम यार रेसीोटा यार रेसीोटा सहित यार यार रेसीो सामान हम यार रेसीो सहित ठीक अच्छे से जानते यहाँ आराम से करदे पारे ओके तो नेक्स्ट जी देखो आम 86 क्वेश्चन कौन अच्छे गोटे मिनिट मुझे टी इरेज करदे तो आशा करते आपको इंटरेस्टिंग लगू थो वीडियो निश्चित भाव जब आपको भल लगुच निश्चित भाव कमेंट बक्स कमेंट करूँ आपड़ जब किसी रिप्लाई दौना ना मुझे जापारे आपको एक्चुअली पी आई क्यू सेसन गुड़ाक भल लगुच कि ना ठीक अच्छे तो निश्चित भाव कमेंट करूँ आज जब आपको जे आमको भल लगुच मुझे आसबी पुणी क्लासेस पुणी क्लास नहीं कि आसबि आप कमेंट बक्स कमेंट निश्चित भाव कर ठीक अच्छे कमेंट करके जनइबे निश्चित भाव जो सेसनटा भल लगुच आम बाकी जहाँ भी रही कभर करके ओके तो 86 ना ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द फोर पीपल चारजण विषय मानने कौन मध्य भाग कर किसी भी सामटा को किसी अमाउंट गोटे क्या क्या अरुण वरुण चेतन दिनेश इन दि प्रपोर्सन 5:2:4:3 इफ चेतन गेट्स 1000 मोर देन दिनेश देन ह्वाट इज वरुण से तेल कौन कौन अरुण अच्छी वरुण अच्छी चेतन अच्छी आउ दिनेश अच्छी तो कौ भाग भाग होती ना 5:2:4:3 ठीक अच्छे तापर कई तो धरा जाऊ या पाखे 5x अच्छी या पाखे 2x है या पाखे 4x या पाखे 3x तेल कह चेतन के ना 1000 टाँचा मोर देन दिनेश दिनेश ठार् चेतन के अधिक पाई ना 1000 टाँचा पाई ठीक अच्छे माने आम जदि चेतन माने चेतन अधिक पाई ये कम पाई तो चेतन आउ कौन ना दिनेश भितर डिफरेन्स के 1000 टाँचा तार अर्थ कौन आम जब 4x रु 3x को वियोग करा आम 1000 टाँचा पाइबा हाँ कि नहीं तेल 4x रु 3x गले के ना एक्स एक्स अर्थात 1000 टाँचा एक्स रैल्यू के 1000 टाँचा तो आमको ये कही कौन ना वरुण के ह्वाट इज वरुण सेयार वरुण सेयार के 2x तेल 2x मैंने कौन 2×100 ना 1000 सामान 2000 सो ऑप्शन नंबर सी हो गला राइट आंसर ठीक अच्छे देन जी नेक्स्ट देखो 87 कौन अच्छी ओके जी डिस्टेंस बिटवीन दि फुट ऑफ ए लाइट हाउस एंड ए सर्टेन पॉइंट इज 30 मीटर इफ दि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दैट पॉइंट टू दि टॉप ऑफ दि लाइट हाउस इज 60 डिग्री देन दि हाइट ऑफ दि पोल तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ आपको खाली बुझार अच्छे क्वेश्चनटा कौन कही कौन दे कौन मागिच एतिक जिनस बुझार अच्छे आप करदे ठीक अच्छे बहुत पिला कौन ना यहाँ ये जो हाइट एंड डिस्टेंस रो क्वेश्चन टाक बुझीपारती से माने छाड़ी के पलि आसती ठीक अच्छे कौन दे देखते आपको तो कहुच दि डिस्टेंस बिटवीन दि फुट ऑफ ए लाइट हाउस मैंने गोटे लाइट हाउस अच्छे तो धरा जाऊ यहाँ गोटे लाइट हाउस गोटे लाइट हाउस अच्छे यहाँ तो लाइट हाउस कहला
जे दि फुट ऑफ ए लाइट हाउस एंड ए सर्टेन पॉइंट इज 30 मीटर ठीक है ओके तो गोटे निर्दिष्ट पॉइंट अच्छे धर जाऊ ये तो ये पॉइंट आउ ये लाइट हाउस जो रही भितर डिस्टेंस के 30 मीटर दिखाई 30 मीटर जदि डिस्टेंस बिटवीन दि फुट ऑफ ए लाइट हाउस तार पाद लाइट हाउस रो एंड सर्टेन पॉइंट गोटे पॉइंट भितर डिस्टेंस 30 मीटर इफ दि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दैट पॉइंट टू दि टॉप ऑफ दि लाइट हाउस 60 डिग्री माने जो एंगल एलिवेशन डा दिया जाय जते एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाय 60 डिग्री ओके ताले एबे हमको कोन कहै छी ना लाइट हाउस रो ए हाइट टा बाहर करबा पई कहै तो किछ नै अपन 10 थीटा पकेबे अपन माने जानंती लाइट हमरो हाइट एंड डिस्टेंस 10 थीटा ही पड़े ओके तो 10 थीटा पकांदु ताले 10 थीटा कोन ना परपेंडिकुलर बाय बेस ताले 10 थीटा माने थीटा एठी केते ना 60 ताले 10 60 डिग्री गालु पी पई केते ना एज पकेबा बा हाइट पई डिवाइडेड बाय 30 केते ना 30 रखु 30 रहला काकि बेस रो तो 30 दिया आइ छी ताले एट केते एज केते गेला 1060 रो वैल्यू केते गोटे मिनिट आ गोटे स्टेप करि देबा 1060 रो वैल्यू √3 इक्वल टू एच बाय 30 समान एच केते गेला ताले 30 √3 आ √3 रो वैल्यू पकांतु 30 × √3 हेलो 1.732 जोटा कि आप जो सल्व करेंगे आप के आसो ना 51.96 कि सायद यही भाया एप्रोक्सीमेटली गोटे आप आसो तो ये देखते 51.96 कौटी अच्छी ना ऑप्शन नंबर सी रे अच्छे सो आपंकर ऑप्शन नंबर सी हो गला राइट आंसर जे 51.96 ठीक अच्छे बुझिपारे ओके दे नेक्स्ट जी देखो ये 8 कौन अच्छी जे लॉग 8 रो वैल्यू दिखाई एतिक लॉग 9 रो वैल्यू दिखाई एतिक लॉग 512 वैल्यू लॉग 512 बेस 5 रो वैल्यू आपको पचार लॉग 512 बेस 5 तर 512 को आम भांगा केमती भांग ना 8 रे भांगा कहीं लॉग 8 रो वैल्यू आमको दिखाई ठीक अच्छे तेनाली 8 आकार में भांगा ये लॉग 8 रे भांगे आमर 8 × 8 = 3 × 2 = 8 = 32 पुणी 8 काटला 8 × 64 ताल 8 रो पावर 3 तार अर्थ लॉग 8 रो पावर 3 बेस 5 ताले ये आमर हो 3 log 8 base 5 ओके तो यहाँ मान कौन आमर जो अच्छी बेसटा 5 अर्थ कौन 3 log 8 / log 5 आम यू एमती लिखिपर बेसटा को आम तल को नहीं जापर हाँ कि नहीं लग नहीं कि तो ये आप जानते हैं 3 कौन है ना 3 log 8 base 5 तो ये 8 को आम पुणी लिखिपर 2 रो पावर 3 हाँ कि नहीं तेल आम यहाँ लिखिपर लग 5 तले अच्छी 3 log 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय लॉग 5 को हम लिखी परिवा ना लॉग 10/2 लिखी परिवा हाँ कि नहीं लॉग 10 कौन पाई गली ना लॉग 10 रो वैल्यू 1 तेणु आम से आमको लॉग 5 रो वैल्यू दिया है आउ तेणु आम लॉग 10/2 कलु ताको आम सॉल्व करने इजी हो तो ये अच्छे आम 3 log 2 पुणी पावर आसीगला तेणु से पचरे गुणन हो तो ये 3 कौन हो गला ना 9 log 2 डिवाइडेड बाय तो ये लॉग ऊपर जोटा थाए से उपरे रुए आ तलटा जोटा थाए से लॉग हो माइनस हुए आप जानते हैं तेनाली लॉग 10/2 को आम लिखिपर लॉग 10 − log 2 हाँ कि नहीं 9 × एवं कहे आप लॉग 2 रो तो वैल्यू आमको जाना नहीं लॉग 2 रो जाना नहीं कि आम यू काढ़ीपर लॉग 2 रो वैल्यू कैसे ठीक अच्छे यू देखो लॉग 8 दिखाई है कैसे 0.9030 तो यहाँ को लिखिपर लॉग 2 to the power 3 इक्वल टू 0.90 यहाँ 3 पचपट को चल जाए 3 log 2 इक्वल टू 0.9030 तार लॉग 2 कैसे हो गला ना डिवाइडेड बाय 2 ना 3 ये 3 जाए डिवाइड हो रहा सैड तेल 0.3010 यही आसो लॉग 2 आम वैल्यू जहाँ अच्छे तेनाली पका 9 × 0.3010 डिवाइडेड बाय लॉग 10 रो वैल्यू 1 माइनस पुणी लॉग 2 रो वैल्यू तो आम काढ़ीदेलु कैसे 0.3010 तो यार वैल्यू कैसे है या सहित जब आम मल्टीप्लाय करवा 0 कौन ना 9 × 3 = 27 ओके तो यही समथिंग 279 तो यू जब आम वियोग करवा एक 0.30 0.70 समथिंग आसो तो या सहित आम हरण करवा देखिए आपत आसो यहीटा आपंकर आसो एप्रोक्सीमेटली के 3.876 ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे तो यहाँ जितेबाला आपन किसी ना आपको यहाँ पुट करार अच्छे आईटा सिंप्लीफाई जो अच्छी 9 × 3010 0.0030 डिवाइडेड बाय 1 − 0.3010 यहाँ को सल्व करेंगे देखिए आपंकर यहाँ ही आसो आप मल्टीपल कि हरण गुण जहाँ भी करेंगे 3.876 ही आसो आपसर तो नेक्स्ट जीवा देखो 89 कौन अच्छी आप 89 कौन अच्छी
देखिया गोटे मिनिट मुझे इरेज कर दिए। ओके तो 89 क्वेश्चन पढ़ू कौन दिखाई इजी क्वेश्चन डे केवल बुझार अच्छे आपन को आउ कि ना तो कौन अच्छी आपणकर गोटे मिनिट जे इफ दि मंथली पे ऑफ सेल्समैन गोटे सेल्समैन अच्छी तार मंथली पे के ना वाई वाई हूँ तार मंथली पे ह्विच इनक्लूड जी कि वाई रई रे कौन कौन जाए ना बेसिक पे हूँ 200 मान तार बेसिक पे हूँ 200 टाँग $200 जोटा कि सब मस पाए सी मैंने ये तो कमन एथे कि चेंज हेनी प्लस आउ कौन प्लस कमिशन अफ $5 फर एवरी यूनिट ही सेल्स आउ प्रत्येक यूनिट जितक भी यूनिट सी सेल कर सही पुणी $5 लेखाएं पाइव जितक भी करा फिक्स नुह कहीं आप मंथ्रे के यूनिट बिक्री करेंगे आप तो फिक्स नुह ना तेणु फिक्स कौटा ना यहीटा तेणु वाई रे कौन कौन ना $200 रहा सहित जितेटा यूनिट बिकव से पांच कौन डलार पाइब तो यूनिटा को जब एक्स धरवा कहीं एक्स सबुति अच्छे देखते एक्स वाई फर्माट्रे अच्छी तेनाली वाईटा टोटाल हुए आरटा को आम एक्स धरले तेणु एक्स धरा जाऊ एक गोटे बेची थोड़े पांच टाँचा पाइब दुईटा जदि सेल कर दस टाँग पाइब तेणु ये डिपेंड कैर ना के बिकुच तेणु भेरिएबुलटा आम फाइव एक्स सहित मल्टीप्लाय हे पाँच सहित 200 सहित नुह 200 आप देखते ये 200 सहित मल्टीप्लाई करेंगे से कहीं 200टा तो सबुदिन पाइब ना सब मस पाइब से फिक्स केवल भेरिएबल यहीटा $5 जितेटा यूनिट बिकव से ही अनुसार पाइब तेणु वाई के 200 + 5x ओके 200 + 5x ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर ठीक अच्छे दे 90 देखु क्वेश्चन नंबर 90 से भाया इजी क्वेश्चन डेटा रही इजिली करदे पारे ओके तो आपको कौन कहुच्छे क्वेश्चन पढ़ू क्वेश्चन नंबर 90 जे कहुच जे इफ ए बाइसाइकल व्हील हेज 48 स्पोक 48टा स्पोक अच्छे तार अच्छी गोटे बाइसाइकल देन दि एंगल बिटवीन एनी टू ताले एटा गोटे देखते ये गोटे स्पो आमर रही कौन व्हीलटा तो से भाया स्पोक लगी था ओके नहीं टोटाल अच्छे के 48टा स्पोक आपंकर अच्छे तो आपको कही प्रत्येक यहीटा यहीटा भितर मानते दुटा पखापाखि स्पोक भितर आम एंगेलटा के तो टोटाल एंगेलटा के गोटे सर्कुलर एंगेल गोटे सर्किलटा के डिग्री कवर कै ना 360 तेल 360 है टोटाल टोटाल के स्पोक अच्छे ना 48 तेल 48 हरण करूँ तो यहाँ हरण करदे आम के 47.5 डिग्री आप आसो ठीक अच्छे तेल दुईटा कंजिक्यूटिव स्पोक भितर के डिग्री एंगेल करेंगे ना 7.5 डिग्री सो ऑप्शन नंबर बी है आमर राइट आंसर जे 360/48 इक्वल टू कौन ना 7.5 तो ये थिला आमर कौन बेच के आपंकर गोटे मिनिट ये बेच थिला 1 ओके 9 August 2018 क्वेश्चन मैथ को आम कवर करदेलु आशा करूँ निश्चित भाव बुझी जाइए सेसन बुझाटा मोस्ट इंपोर्टेंट देखूँ केते क्वेश्चन करूँ बेटर आपते क्वालिटी वाला क्वेश्चन आमती करूँ से मैटर कर कौ भाई अटेम्प्ट नौ ओके तो ये डिटेल्स इनफर्मेसन आमर मैथमेटिक्स रिगार्डिंग जदि किसी भी डाउट था निश्चित भाव कमेंट बक्स कमेंट करी आल लगी जदि सेसन भल लगी निश्चित भाव कमेंट करके जनइबे तो नेक्स्ट आम आपण पुणी थे नुआ कौन आउ गोटे बेच को लेकिन आसपी डिस्कस कर डिस्कस करी ना ठीक अच्छे आप कमेंट बक्स कमेंट करेंगे जो भल लगुच सर पुणी क्लास आणतु ओके तो सेटा निश्चित भाव में जनइबे आपन चाहे आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारे जोटा कि रही है लर्नर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तार लिंक अच्छी सेठे आप रेगुलर क्लासेस रो लिंक जहाँ भी अपडेट्स रोज नोट्स रोज पाइपर ओके तेज आज सेसन एतिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलेंगे तो आज सेसन एतिक थैंक यू।